हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल पहाड़ी ब्लॉगर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चने की डुक्की बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चने की डुबकी बनाने के लिए सबसे पहले लेना है चना। मैं यहाँ पर थोड़े ही चने ले रही हूँ क्योंकि मुझे 3 लोगों के लिए बनाना है। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप ज़्यादा चना भिगोने के लिए रख सकते हैं। रात भर इसको सोक करना है। ये देखिए सुबह को ऐसा हो जाएगा ये। फिर इसको सिलबट्टे पर या फिर मिक्सी में इसको पीस लेना है। थोड़ा दरदरा ही पीसना है। चना यहाँ पर पिसकर रेडी है। अब मैं यहाँ पर बारीक प्याज काट ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लहसुन ले रही हूँ। इसको अच्छे से छिलकर और इसको कूट लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से अदरक को भी तैयार कर लेना है कूटकर। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले कढ़ाई लेना है। कढ़ाई को गर्म होने दें। देखिए यहाँ पर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है पूरी तरीके से। अब इसमें तेल डालेंगे। ध्यान रहे कि हमें सरसों का तेल ही यूज़ करना है। इसी में ज़्यादा अच्छे से बनेगा और ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। तेल को भी अच्छे से गर्म करना है। देखिए ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता और मिर्च। लाल मिर्च का यूज़ करेंगे। जब ये भी अच्छे से भून जाए तो इसमें डालेंगे जीरा। अगर आप हींग खाना पसंद करते हैं तो हींग भी डाल सकते हैं। जीरा भी अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट। अब डालेंगे अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीजों को अच्छे से भुनना है। जब ये भुन जाए तो इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी ब्राउन होने तक भून लें। उसके बाद डलेगा हमारा चने का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम इसको 10 मिनट तक आपको भूनना है। तब तक आपको भूनना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना कढ़ाई में। अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक और धनिया पाउडर। इन सब को मिक्स करके थोड़ी देर और मैं इसको भूनूंगी। ये भून चुका है अच्छे से। अब इसमें डालना है पानी। इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। जब तक इसकी गुठलियाँ खत्म ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहना है।
आप देख सकते हैं गुठलियाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और पानी भी सूख गया है इसमें, तो हम फिर से पानी डालेंगे इसमें। जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी डलेगा। अच्छे से मिक्स करके इसको आप ढक देना है। धीरे धीरे करके अब इसको पकाना है, बार बार ढक्कन हटाकर देखना है, थोड़ा चलाना है, फिर ढक देना है। ऐसा आपको करना है 5 मिनट तक। जब इसमें अच्छे से उबाल आने लगेगा तो समझ जाना है कि अब ये पक कर रेडी हो चुका है। जब इसमें अच्छे से उबाल आने लगेगा तो समझ जाना है कि अब ये पक कर रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रहेगी, न ज़्यादा गाढ़ी न ज़्यादा पतली। थोड़ा पानी मैं और मिक्स कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी है। साथ में चावल भी चढ़ा दिया है मैंने। ये देखिए ये बनकर रेडी है। अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।